एकेडमी, द मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट इन नागपुर फॉर जेईई नीट। महावीर जन्म कल्याण महामहोत्सव के पावन पर्व पर जैन सेवा मंडल द्वारा करण कोठारी ज्वेलर्स अहिंसा अवार्ड 2023 एवं धर्मीय भक्ति गीत म्यूजिकल हौजरी कार्यक्रम का भव्य आयोजन कविवर सुरेश भट्ट सभागृह रेशिमबाग में मंगलवार 4 अप्रैल को किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम में जिन लोगों ने अपने जीवन में एक से बढ़कर एक सुंदर कार्य किए हैं, उन्हें इस अवसर पर कुल 8 अवार्ड्स दिए जाएंगे, जो सभी विदर्भ स्तरीय होंगे। ऐसी जानकारी कार्यक्रम संबंधित आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई है। करीब करीब 70 वर्षों से जैन सेवा मंडल सकल जैन समाज की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है नागपुर की, और दिगंबर और श्वेतंबर जो दो बड़े पंथ है इसमें, इन सबका एक जगह का महावीर जयंती का आयोजन किया जाता है, जो पहले चिटनीस पार्क में होता था, अभी पिछले 4 वर्ष से ये सूरज भट्ट सभागृह में होता है। करीब करीब 8 से 10 दिन के कुल प्रोग्राम होते हैं अलग अलग तरीके से। पिछले 20 वर्षों से, यानी ये 21वां साल है जिसमें कोरोना के 2 साल भी निकल दिए, तो करीब 21वां साल कोठारी ज्वेलर्स अहिंसा अवार्ड, करण कोठारी ज्वेलर्स अहिंसा अवार्ड, ये प्रोग्राम वहाँ पर होता है, जिसके लिए ये खास आज की प्रेस यहाँ पर आमंत्रित की गई है। इसमें गुणवंत जो व्यक्तित्व है समाज के अलग अलग क्षेत्र के, उनके लिए ये अवार्ड होता है, उनका आवेदन मंगाया जाता है, फिर एक जूरी कमेटी होती है, जूरी कमेटी में उसका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद महावीर जयंती के दिन शाम को भगवान महावीर जन्म कल्याण का एक सुबह कार्यक्रम होता है और शाम को यह अहिंसा अवार्ड का कार्यक्रम होता है, जिसमें अवार्ड के नाम मैं आपको बता दूँ, धार्मिक श्रावक अवार्ड। ये जो धार्मिकता में बहुत अच्छी रुचि रखते हैं, धार्मिकता का पालन करते हैं, पूजा पाठ मंदिर साधु संतों की सेवा व्रत, ऐसे धार्मिक श्रावक, ये मेल्स के लिए अवार्ड है। इसी तरह से सेम धार्मिक श्राविका, ये फीमेल्स के लिए अवार्ड है। फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डिटेल्स कॉन्टैक्ट